हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विभूति भूषण आचार्य। वेलकम टू माय चैनल हाई फ्लाइंग पिजन। सभी भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरा पहला पार्ट में मैंने आपको बताया था कबूतर का पोडबर्न का कारण क्या है, पोडबर्न क्यों होता है, अगर पोडबर्न होता है तो उसका सिम्टम्स क्या, इलाज हम कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि भाई देसी नुस्खा यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको देसी के इलाज में आपको बताऊँगा कि पोडबर्न अगर किस कबूतर का हो जाता है तो भाई हम उसको कैसे ठीक करेंगे। अगर पोडबर्न हो जाए तो भाई ध्यान से सुनिए, तो कौन सा चीज़ हमको चाहिए तो भाई नोट कीजिए। अगर किसको याद नहीं रहता है तो पेन पेपर रख लीजिए। तो उसमें क्या क्या आपको यूज़ करना है, तो पोडबर्न के लिए आपको पहले गुड़, जो हम खाने में यूज़ करते हैं गुड़, एक कप गुड़ लेना है, पूरा एक कप गुड़ लेना है। पहले चीज़ एक कप गुड़ लेना है, और अजवाइन, जो अजवाइन आता है अजवाइन, उसको आधा कप अजवाइन लेना है, और उसके साथ एक स्पून मतलब एक चम्मच काला नमक जो आता है, ये तीनों चीज़ को हमको क्या करना है, 2 लीटर पानी में डालना है और उसको मिक्स करना है। मतलब उसको वही पानी में, 2 लीटर पानी में गुड़ 1 कप का और अजवाइन 1/2 कप और 1 चम्मच 1 स्पून काला नमक डाल देंगे 2 लीटर पानी में। उसको गैस में गर्म करेंगे, 2 लीटर पानी में उसको गर्म करेंगे। जैसे गैस में हम गर्म करेंगे 2 लीटर पानी से, जैसे वो 1 लीटर हो जाएगा, वही पानी को आपको क्या करना है, उसमें 20 ml आप क्या करेंगे, आपका जो भी कबूतर आपका, अगर आप चाहेंगे तो आपका लॉट में टोटल कबूतर को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 20 ml 1 लीटर पानी में आप आपके कबूतर को, अगर महीने में 3-4 दिन लगातार देंगे तो आपका कबूतर भाई पोडबर्न में कभी नहीं जाएंगे। ध्यान से सुनिए, आपको गुड़ लेना है, अजवाइन लेना है और 1 चम्मच 1 स्पून आपको काला नमक लेना है। ये तीनों चीज़ को 2 लीटर पानी में गर्म करना है, जब तक 1 लीटर ना हो जाए। तो वही 1 लीटर को आप ठंडा कीजिए, वही पानी को एक बोतल में आप रख दीजिए, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। ये भाई देसी इलाज है, आपका कबूतर कुछ भी बीमार नहीं रहेंगे। आपको क्या करना है, वही पानी को वीकली आप देंगे तो ठीक है, वीकली देना तो नहीं चाहिए। तो देसी आपको अगर चाहिए तो महीने में 3 बार लगातार दे दीजिए। मौसम चेंज हो रहा है, आप देखेंगे दाना वगैरह उठाते हैं, हजम नहीं होता है, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो 20 ml वो जो पानी हो जाएगा 1 लीटर, उससे आप 20 ml ले आएंगे, 1 लीटर पानी में सभी कबूतर को पिला देंगे, तो कबूतर का पोडबर्न भाई कभी नहीं होगा, पोडबर्न ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था, अगर आपको एक कबूतर को देना है तो आपको क्या करना है, तो भाई आप पहले क्या करेंगे, जो कबूतर को भाई पोडबर्न हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, पहले उसका पेट को साफ करना चाहिए। मैंने पहले पार्ट में बताया था कि आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है, हल्का सा गर्म पानी, गुनगुना पानी, उसको 20 ml सीरिंज में 3 सीरिंज पिलाना है और उसको पेट को उसको नीचे करके उसको साफ करना है। मैं पहला पार्ट में भी आपको बताया था कैसे साफ करना है, उसको नीचे उलट के उसका गर्दन से धीरे धीरे आप उसको पोट को धीरे धीरे से लाएंगे, तो उसका पानी जो बाहर आ जाएगा, पेट में जितना भी दाना होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा अदरक का जो जूस है उसको हल्का सा पानी में मिक्स करके 20 ml पानी पिला के उसको छोड़ देना है। तो ऐसे आपने आराम से छोड़ दिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा हल्का सा आप क्या करेंगे, दाना थोड़ा सा हल्का दाना देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने जो अभी आपको बताया कि गुड़ लेना है, काला नमक लेना है, अजवाइन लेना है, उसका जो आपने पानी बनाया है वही पानी को खाने के बाद उसको 10 ml मतलब जो पानी आपने बनाया है 20 ml पानी में आप हर कबूतर को भी दे सकते हैं। अगर आप सिंगल एक ही कबूतर को देना है तो 5 से 10 ml वही पानी आप दिला सकते हैं। 5 ml से 10 ml दिन में 2 बार उसको आराम से पिला भी सकते हैं, उसको खाली पेट देना भी चाहिए, अगर खाने के बाद भी देते हो वो भी ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ये नुस्खा ट्राई करो, देखो आपको भाई 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आपको भाई आपको क्या करना है, पेट को साफ कर दिए उसको भाई छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आप अगर अदरक का पानी देते हो तो भाई चलेगा, अगर नहीं भी देते हो तो आपको डायरेक्टली यही पानी आपको उसके खाली पेट में ही उसको पिला देना है, ठीक है। तो दिन में 2-3 बार 2 बार कीजिए, उसके बाद उसको हल्का खाना देना है, क्योंकि उसको उल्टी वगैरह हो रहा है। अगर उल्टी हो रहा है तो उसके कारण में उसको क्या एलोपैथिक देंगे, अगर इसको ये जो बताया मैंने देसी नुस्खा, अगर उसमें आपका रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैं आपको एलोपैथिक में कौन सा दवाई देने से उसका जो उल्टी हो रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, एक टाइम में ही बंद हो जाएगा, तो उसका भी इलाज मैं आपको बताऊँगा, ठीक है भाई। तो मेरा चैनल देखने के लिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं देसी नुस्खा, मैंने ये पार्ट में बताया कि आपको क्या इलाज करना है पोर बॉन के लिए, स्पेशली पोर बॉन के लिए। आप फास्ट से लास्ट तक देखोगे तो आपको भाई बहुत नॉलेज मिलेगा। अगर देना है तो भाई कबूतर को पेट से पहले कीजिए, और जो तीनों चीज़ मैंने बताया, काला नमक, अजवाइन और गुड़, तीनों का जो पानी बनता है उसमें 5 से 10 ml पानी एक कबूतर के लिए आप आराम से दे सकते हो। अगर हर कबूतर को देना है तो 20 ml पानी में 1 लीटर दे दो, क्योंकि वो तो भाई बीमार नहीं है, उनको आराम से देंगे तो उनका पोर जाम नहीं होगा। तो फिलहाल ये उसका फ्राई कीजिए, मेरे को बताइए रिजल्ट आपको कैसे मिला, ठीक है। अगर आपको देसी नुस्खा मैंने जो बताया, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैं आपको एलोपैथिक कौन सा मेडिसिन देने से आपको कबूतर सुस्त हो जाएंगे, तो भाई मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।